स्वागत है आप सभी का फिर से एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आज की वीडियो में हम आपको जो है स्लाइड शो मेनू के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में बताने वाले हैं। स्लाइड शो में आप देख सकते हो कि ये विकल्प दिए गए हैं, बहुत छोटा मेनू है लेकिन बहुत काम का मेनू होगा। अगर आपको स्लाइड शो मेनू जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही हम आपको बता दें कि इसके लिए नोट्स भी हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि नोट्स भी आपको हिंदी और अंग्रेजी में नोट्स मिल जाएगा। इसका लिंक मैं पीडीएफ के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपने इससे पहले स्लाइड शो मेनू का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्लाइड शो मेनू के अंदर विकल्प दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हैं, F5 बटन दिया गया है। F5 बटन को प्रेस करके हम अपने स्लाइड को शो कर सकते हैं। अपने फाइल के अंदर अगर आपने बहुत सारे स्लाइड बना रखे हैं, आप किसी भी स्लाइड पर अगर हो और आप चाहते हो कि हम फर्स्ट स्लाइड से जो है स्लाइड को व्यू करें, तो आप इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप यहां पे क्लिक करके फर्स्ट स्लाइड से आप प्रेजेंटेशन को जो है प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। हम देख सकते हैं कि हमने फोर्थ नंबर स्लाइड को सिलेक्ट किया है, लेकिन जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से, पहले स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शो करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा पहला स्लाइड व्यू हो रहा है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी स्लाइड हम बनाए होंगे उन सबको शो करेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा स्लाइड होगा, इसके बाद हमारा ये तीसरा स्लाइड है, और ये हमारा इसके बाद जो आपका चौथा स्लाइड भी आएगा और पांचवा स्लाइड भी शो करेगा। तो आप इस प्रकार जो है जितने भी स्लाइड बनाए रहेंगे उन स्लाइड को आप यहाँ से लाइन बाय लाइन जो है व्यू कर सकते हो, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप व्यू से बाहर आना चाहते हैं तो क्लिक करें या कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करें, आप स्केप कर जाएंगे, स्लाइड से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह हमने आपको बताया है कि आप पहले विकल्प का प्रयोग करके आप स्लाइड व्यू कर सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। स्लाइड शो मेनू के अंदर आप दूसरा विकल्प देख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हैं, शिफ्ट प्लस F5 बटन को प्रेस करके हम करेंट स्लाइड से हम व्यू कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को। इसका मतलब आपने देखा जाए, पहले वाले विकल्प का यूज़ हमने बताया कि आप चाहे जिस स्लाइड के ऊपर रहो ये आपका प्रेजेंटेशन पहले स्लाइड से व्यू करेगा। लेकिन हमने कहा कि आप अगर दूसरे स्लाइड के ऊपर हो तो आप अगर स्लाइड को प्रेजेंट करते हो, यहाँ से आप स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड पर क्लिक करते हो तो ये दूसरे स्लाइड से प्रेजेंटेशन को दिखाएगा। अगर आप तीसरे पे हो तो तीसरे से व्यू करेगा, चौथे पे हो तो चौथे से व्यू करेगा। आपको दिखा देते हैं कि हमने दूसरे नंबर स्लाइड को सिलेक्ट किया है और अगर हम स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि दूसरा स्लाइड से ही व्यू हमारा यानी प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। आप यहां देख सकते हैं कि दूसरा स्लाइड से आपके प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, दूसरा दिखाएगा, इसके बाद जो भी इफेक्ट आपने डाला होगा तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, ऐसे व्यू करेगा। तो आपने देखा, मैं इससे बाहर निकलता हूँ, एस्केप बटन को प्रेस करते हुए आप यहाँ से जितने भी स्लाइड बनाए रहेंगे सबको यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन बाय लाइन जिस स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया था उसके बाद स्लाइड को प्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखा, अगर हम तीन नंबर स्लाइड के ऊपर हैं और हम स्लाइड शो के ऊपर जाके हम स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो तीसरे नंबर स्लाइड को व्यू करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस विकल्प का यूज़ कब करेंगे और इस विकल्प का यूज़ कब करेंगे। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि अगर आप इस विकल्प का दोनों का अंतर आपको समझना होगा। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड का मतलब होगा कि पहले स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन को शो करेगा, जबकि हमने इसके बारे में बताया जाए कि स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब होगा जिस स्लाइड को आपने सिलेक्ट कर रखा है उस स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शो करेगा। स्लाइड मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हैं री हियर्स टाइमिंग का दिया गया। अगर आप चाहते हो कि हम अपने स्लाइड के ऊपर एक निश्चित समय डालें, एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद हमारा अगला इफेक्ट दिखाई दे, तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने स्लाइड को रिहर्सल मोड में देखें, यानी एक निश्चित समय के बाद स्लाइड को हम शो करें, अगला स्लाइड हमारा आए, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक मैं आपको बता दूं कि जब आप स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड से प्ले करते हैं या करंट स्लाइड से प्ले करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आपका इफेक्ट खत्म होता है तुरंत अगला स्लाइड आपका दिखने लगता है, नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इफेक्ट खत्म होने के बाद भी हमारे स्लाइड को व्यू करता रहे तो उसके लिए हम यहाँ पे री हियर्स टाइमिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे हम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जैसे पहले स्लाइड का इफेक्ट खत्म होगा नेक्स्ट स्लाइड आपका आ जाएगा, यानी वेट नहीं करेगा अगले स्लाइड को लाने में और दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड ऐसे आता चला जाएगा। आप देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें जैसे इफेक्ट ये खत्म हुआ नेक्स्ट स्लाइड आपका आ गया।
इसके बाद इसका इफेक्ट खत्म होगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आ जाएगा। हम चाहते हैं कि इफेक्ट खत्म होने के बाद कुछ देर वेट करें, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड को लाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रीहियर्स टाइमिंग का प्रयोग करना होगा। मैं यहाँ पे एस्केप बटन को प्रेस करता हूँ और यहां देखेंगे मैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जाने के बाद रीहियर्स टाइमिंग पे क्लिक करता हूं। जैसे हम यहां पे क्लिक करेंगे हमारा फर्स्ट स्लाइड प्ले हो जाएगा और देखें यहां पे आपका टाइमर शो करने लगा है। अब कितने देर तक आप वेट करना चाहते हो इस स्लाइड के ऊपर जाए, आप यहां टाइमिंग को सेट करेंगे। जैसे मैंने 10 सेकंड कहा और इंटर बटन को प्रेस कर दिया। अब देख सकते हैं अगला स्लाइड आएगा और उसके ऊपर जो इफेक्ट हमने डाला होगा वो दिखाने के बाद फिर से कितना देर आपको इस स्लाइड के ऊपर वेट करना है, समय देना है, वो टाइमिंग आप यहां पे डाल सकते हो। तो आप क्लिक भी कर सकते हैं और आप इंटर बटन को भी प्रेस करके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा सकते हैं। तो हम यहां पर भी 10 सेकंड का समय देते हैं और इंटर बटन को प्रेस करते हैं, यानी स्लाइड को व्यू करने के बाद जो भी इफेक्ट हमने डाला है उसको दिखाने के बाद 10 सेकंड तक वेट करेगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड को व्यू करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा तीसरा स्लाइड है और इसके ऊपर भी हम 10 सेकंड का समय देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइमिंग देता हूँ और इंटर बटन को मैंने प्रेस किया। अब इसके ऊपर आपको कितना समय देना है वो आप यहाँ पे टाइमिंग को सेट करें। मैं यहाँ पे 12 सेकंड का समय लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 12 सेकंड का समय लीजिएगा और इंटर बटन को प्रेस करिएगा। इस तरह आप हर स्लाइड के ऊपर जो है जो भी इफेक्ट आप देना चाहते हैं वो टाइमिंग आप यहाँ पे रिहर्सल मोड में टाइमिंग को दे सकते हैं। तो इस तरह हमने आपको बताया कि आप हर स्लाइड के ऊपर टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो विकल्प आपका दिया गया है कस्टम स्लाइड शो का दिया गया। अगर आप चाहते हो कि अपने हम स्लाइड का कस्टम व्यू बनाएं तो आप यहाँ बना सकते हो। इसका यूज आपको बता दें कि जब आप स्लाइड को शो करते हो, फर्स्ट स्लाइड से आप शो करते हो, तो आपके सभी स्लाइड जो है लाइन बाय लाइन शो करते हैं। आप चाहते हो कि हम किसी निश्चित स्लाइड को जो है हम व्यू करें, तो उसके लिए आपको कस्टम व्यू बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ कस्टम स्लाइड शो पे जाना पड़ेगा। ऐसा करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कस्टम शो स्लाइड विंडो आपके सामने खुल गया है। यहाँ पे आपको न्यू बटन पे क्लिक करना होगा और आप देखें यहाँ पे जितने स्लाइड आप बनाए हो उस स्लाइड का यहाँ पे नाम आ रहा है। यहाँ पे स्लाइड 1, यहाँ पे S2, जो भी हमने रीनेम के द्वारा नामकरण किया था आप यहाँ देख सकते हैं। अब कस्टम व्यू बनाते समय सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप उसका नाम क्या रखना चाहते हो। आप यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर सकते हो या यही नाम आप चाहते हो तो यही नाम भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे हमने दिया कस्टम 1। और आप इस कस्टम 1 के अंदर कौन कौन से स्लाइड को रखना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि फर्स्ट स्लाइड दिखाई दे तो आप फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप ऐड कर लें। इसी तरह स्लाइड नंबर 3 को चाहते हो तो स्लाइड नंबर 3 को सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। और इसी तरह स्लाइड नंबर 5 को चाहते हो तो आप स्लाइड नंबर 5 को सिलेक्ट करके आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अब ये जो कस्टम व्यू आप बना रहे हो इसमें आपका स्लाइड 1, स्लाइड 3 और स्लाइड 5 जो है ऐड हो चुका है। अब यहाँ ओके बटन पर क्लिक करना होगा। ओके बटन पे क्लिक करते ही आप यहां देख सकते हो कस्टम 1 के नाम से हमारा कस्टम व्यू तैयार हो गया है। अब इसको हम देख सकते हैं, यहां से एडिट कर सकते हैं, इसकी कॉपी भी बना सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहां से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करके अगर हम चाहते हैं कि इस कस्टम व्यू को शो करें तो आप स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कस्टम 1 के अंदर जो आपने स्लाइड को ऐड कर रखा है केवल वही स्लाइड आपको शो करेगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और आप देखें हमने पहला स्लाइड लिया था और पहले स्लाइड के बाद हमने तीसरा नंबर का स्लाइड लिया था और तीसरे के बाद हमने पाँचवा स्लाइड लिया था। तो इसमें आपका कस्टम व्यू में दूसरा और चौथा व्यू नहीं करेगा, बाकी सभी स्लाइड आपको जो कस्टम व्यू में आपने ऐड कर रखा है उसको शो करेगा। तो ये होता है कस्टम व्यू बनाना। आप अगर इससे बाहर जाना चाहते हैं तो इसके बटन को प्रेस करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि एक और कस्टम व्यू को तैयार करें तो आप स्लाइड के अंदर जाएं, स्लाइड शो के अंदर, और यहां से आप देखें कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहां पे फिर से आपको कस्टम टू आपको देना होगा नाम, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पे नाम को रखिएगा। हम चाहते हैं कि स्लाइड 1 भी ऐड हो यहाँ पे, स्लाइड 2 को भी दिखाए और स्लाइड 4 को भी हम कस्टम व्यू में ऐड करना चाहते हैं। तो कस्टम 2 जो आपका बन रहा है उसमें स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 4 को हम रखना चाहते हैं, तो हमने इसको रखा और ओके बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं कि दो कस्टम व्यू बन चुका है, जिसमें आपने देखा कि कस्टम 1 में हमने 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर स्लाइड को रखा था। इसी तरह कस्टम नंबर 2 में हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर स्लाइड को रखा है। अब हम कस्टम 2 को अगर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो जो स्लाइड व्यू करेगा वो पहला, दूसरा और चौथा नंबर स्लाइड व्यू होगा। मैं आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देखें पहला स्लाइड व्यू कर रहा है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर स्लाइड व्यू होगा और इसके बाद चौथा नंबर जो स्लाइड होगा उसको भी शो करेगा।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्टम व्यू का यूज़ क्या है, यानी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने व्यू को, जो लाइन बाय लाइन आपको स्लाइड दिखाई दे रहे हैं उसमें से आप अपने मनपसंद स्लाइड को एक ग्रुप के रूप में रख के स्लाइड व्यू को तैयार कर सकते हो। स्लाइड शो में आप देख सकते हैं अगला विकल्प है स्लाइड शो सेटिंग का। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसका डायलॉग बॉक्स आप देख सकते हैं खुल गया है। इसमें सबसे पहले रेंज का ऑप्शन दिया गया है। रेंज में आपने जितने स्लाइड बनाए हैं, अगर आप चाहते हो कि सभी स्लाइड को हम व्यू करें तो आप देख सकते हैं ऑल स्लाइड का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता है, यानी सभी स्लाइड को जब आप स्लाइड को शो करते हो तो सभी स्लाइड को ये शो करता है। अगर हम फ्रॉम पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि आप यहाँ से प्रेजेंटेशन को कहाँ से दिखाना चाहते हो। आप चाहते हो कि स्लाइड टू से हमारे प्रेजेंटेशन को शो करे तो हम स्लाइड टू को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप स्लाइड को शो करेंगे तो आप देखेंगे कि स्लाइड टू से प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि स्लाइड नंबर थ्री से प्रेजेंटेशन को दिखाए तो हम स्लाइड नंबर थ्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप फ्रॉम स्लाइड में जितने नंबर स्लाइड से आप अपने प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हो वो नंबर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखें कस्टम शो का भी दिया गया है। कस्टम जो हमने आपको बनाया था, आप अभी देखा है कि कस्टम वन, अगर आप चाहते हो कि कस्टम वन को हम प्रेजेंट करें तो आप कस्टम वन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि कस्टम टू को व्यू करें तो कस्टम टू को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ ओके बटन पे जब क्लिक कर देंगे तो आपका कस्टम व्यू बन जाएगा और यहाँ से स्लाइड सेटिंग हो जाएगी और उस स्लाइड सेटिंग के अनुसार ही आपकी स्लाइड को व्यू करेगा। अब यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंटेशन मोड का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब स्लाइड को आप शो करते हो तो फुल स्क्रीन में आपको प्रेजेंटेशन को दिखाता है। अगर आप देख सकते हैं कि अगर इन विंडो के अंदर दिखाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आपका ये टाइटल बार, मेनू बार दिखाई देगा और प्रेजेंटेशन आपको बीच में दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको टाइटल दिखा रहा है, मेनूज दिखा रहा है और टूल बार भी दिखाई दे रहा है। तो आप किस तरह के सेटिंग करना चाहते हो अपने स्लाइड को देखते समय, ये विकल्प आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि प्रेजेंटेशन का मोड क्या होगा। फुल स्क्रीन भी आपने देखा, इन्हें विंडो देखा, और अगर आप चाहते हो कि लूप कंटिन्यूस बना रहे, यानी आपकी स्लाइड खत्म होने के बाद फिर से वो कंटिन्यू आपके स्लाइड को व्यू करता रहे, तो वो आप यहाँ पे टाइमिंग को सेट कर सकते हो, टाइमिंग को भी दे सकते हो। और यहाँ लोगों भी आप चाहते हो कि लोगों को भी दिखाए तो आप यहाँ लोगों को भी ऐड कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शंस का भी विकल्प दिया गया है, जहाँ से आप यहाँ से स्लाइड को मैनुअली चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि माउस विजिबल ना हो तो आप इस ऑप्शन को जो है ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि माउस पॉइंटर एज ए पेन, अगर आप चाहते हो कि जब स्लाइड प्ले हो तो उस दौरान हमारा माउस पॉइंटर एक पेन के रूप में बिहेव करे, तो आप इस विकल्प को भी क्लिक करके ओके कर सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर एज ए पेन पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। अब आप जब स्लाइड को शो करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर एक पेन के रूप में दिखाई देगा और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो, जो भी आप यहाँ पे ट्रिक करना चाहते हो, आप ऐसे ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपने स्लाइड के ऊपर इस तरह के इफेक्ट को डाल सकते हो। तो ये विकल्प होता है, आप यहाँ देख सकते हो कि माउस पॉइंटर एज ए पेन आपका प्रयोग हो रहा है और लूप कंटिन्यूस भी चल रहा है। हमने आपको बताया कि आपका स्लाइड कभी ख़त्म नहीं होगा और लगातार ये स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है बना रहेगा। तो ये विकल्प हमने यूज़ किया है। तो ये सब सेटिंग है जो आप अपने स्लाइड शो के दौरान जो है कर सकते हैं। इन सब सेटिंग को करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एनिमेशन अलाउड भी कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि एनिमेशन भी शो करे तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। चेंज स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड अगर आप चाहते हो, और प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑन टॉप, अगर ये सब विकल्प आप चाहते हो तो ये सब सेटिंग आपको यहाँ पे करना होगा और करने के बाद आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद जब आप स्लाइड को व्यू करेंगे तो आपके द्वारा किया गया सेटिंग जो भी है उसके अनुसार आपके प्रेजेंटेशन को शो करेगा। तो ये है स्लाइड मेनू के अंदर दिए हुए विकल्प। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।